गाइस, आज से मैं लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए एक रिवीजन सीरीज। बिकॉज आप सबको पता है क्योंकि एसटेट के एग्जाम में जस्ट ओनली 15 डेज भी नहीं बची हो और ईएमआरएस का एग्जाम है कि जस्ट लास्ट 30 डेज ही, लास्ट 30 डेज में, लास्ट 15 डेज में कैसे आपको स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनानी है, कैसे आपके क्वेश्चंस को सोल्व करना है बगैर फॉर्मूले के, आप कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे विदाउट एनी पेन कॉपी, किसी भी न तो आपको पेन कॉपी का यूज करना हो न ही आप फॉर्मूले को यूज करना है। हम करेंगे क्वेश्चंस को टिप्स ट्रिक्स की हेल्प से और कुछ सम एनालॉजी का यूज करके राइट ऑप्शंस को टारगेट करेंगे, कैसे रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, सब कुछ आज मैं कवर करूंगी। राइट, आज मैं बेसिकली टीच करूंगी मोशन इन वन डे, और मोशन इन वन डे में बेसिकली बेसिक टू एडवांस तक लॉन्ग वीडियो जरूर रहेगी, लेकिन आपको टारगेट रहेगा कि आपको हर एक चीज में सिखाने की कोशिश करूं। मैं रानी सैनी वेलकम करती हूं अपने चैनल क्रेजी फिजिक्स में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूं मोशन इन वन डे। मोशन इन वन डे में बेसिकली मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, यकीन मानिए जब तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं है, आप स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन है, आप है विदाउट फॉर्मूले के, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे, जस्ट इंपॉर्टेंट बातें और सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट है हम करेंगे एक्सेलरेशन, मोशन होगा अंडर ग्रेविटी, मोशन जस्ट ड्रॉप, वन डी, सब कुछ हम करने वाले हैं इस वीडियो में, कंप्लीट मोशन इन वन डी। देखो सबसे पहले जब भी बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, आपको कुछ नहीं देखना, क्या देखना, डिस्टेंस है हमेशा आपके पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया है। राइट, लेकिन जब भी बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, नथिंग, डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है, आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और आपकी फाइनल पोजिशन क्या रहने वाली है। राइट, अगर मैं इन दूसरे शब्दों में कहूं तो डिस्टेंस और कुछ नहीं है, डिस्टेंस है जस्ट ओनली पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस है, जबकि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस है। राइट, अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मूव करता है और जैसे उसने टर्न लिया, जब भी बात आती है टर्न की, आपको इस टर्न के बारे में बहुत ध्यान से सोचना है, यही से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कवर हो जाएंगे। देखो जैसे मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद है इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, टर्न किया, तो बिफोर टर्निंग है इस ऑब्जेक्ट के आपके पास है डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है इक्वल रहेंगे, आफ्टर टर्निंग के बाद है डिस्टेंस है वो टाइम के साथ है इंक्रीज होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मेरे पास क्या एक मार्कर है, मैंने इस मार्कर को थ्रो किया, लेकिन क्या किया, जैसे जैसे टाइम के साथ है टाइम इंक्रीज था तो इसने एक हाई पॉइंट को अचीव किया, एंड आफ्टर दैट है ये इसने क्या किया, सेम अपने इनिशियल पोजीशंस को टारगेट किया। तो राइट, सबसे पहले मैं आपको कहूंगी जब भी आप बैठो, इस ये रिवीजन सीरीज चल रही है तो आप प्लीज एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चंस को देखना मैं कैसे अपने अप्रोच को फॉलो करते हैं, आफ्टर दैट है आप उसी क्वेश्चंस को आप अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग करना और फिर आप मेरे को बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। प्लीज एक कॉमेंट जरूर करना और एक लाइक जरूर करना, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन आपके लिए बूस्टर रहेगा। अब करते हैं हम स्टार्ट। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे ये मार्कर था, मैंने इस मार्कर को थ्रो किया और फिर ये आपने इनिशियल पोजीशंस को टारगेट किया। मैंने मान लिया ये मेरे पास एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग की हाइट थी मेरे पास कितनी थी, 20 मीटर थी। राइट, अब ये क्या था इसका मेरे पास है हाईएस्ट पॉइंट था। राइट, अब मैं यहाँ से आपसे पूछती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है डिस्टेंस है वो कितनी होगी, हमारे पास है 40 मीटर रहने वाली है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है इस सिचुएशंस में जीरो रहेगी, समझिए। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास है डिस्टेंस कुछ है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगी। देखो आप मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराती हूँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल लाइन है, इन लाइन के बारे में आप बहुत ध्यान से करना, यहाँ से सारे के सारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन से कम्प्लीट कवर होंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करना है, तो अब यहां से अगर मैं लिखूं मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आएंगी। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर भी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर भी डिस्टेंस में और मे नॉट भी जीरो,
डिस्टेंस में और में नोट भी जीरो, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर भी डिस्टेंस में, डिस्टेंस जीरो तब होगी जब ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होगा, ये में तब होगी जब रेस्ट में होगा, में नोट भी जीरो मतलब ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस है ट्रेवल किया है, राइट। अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मैंने लिखे थ्री कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, आफ्टर दैट है थ्री और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको भी टारगेट करेंगे। फर्स्ट ये देखो इसमें क्या लिखा, इन वन डी मोशंस में डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, आपको बताना है ये राइट है कि रॉन्ग है, जल्दी बताओ। इन वन डी मोशंस में डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, ये कहां तक ठीक है? देखो जब भी बात करते हैं इन वन डी मोशंस की, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है उसने टर्न नहीं किया है, दैट मींस इसी टाइम इंटरवल में यही तक है आपका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट टर्न कर लेता है आफ्टर टर्निंग के बाद है आपके पास है डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास है टाइम के साथ है डिक्रीज होती चली जाएगी, समझ गए? तो अब सेकंड देखते हैं, सिर्फ आपको ये यहां तक रखना, जब भी बात आ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में गिवन हो आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से कॉन्सेप्चुअल समझना है। अब बात आती है डी इक्वल टू जीरो, डी मतलब डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो कब होगी? डिस्टेंस जीरो सिर्फ एक ही सिचुएशंस में हो सकती है जब ऑब्जेक्ट है मूव नहीं करता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है उस टाइम पे उस सिचुएशंस में क्या है रेस्ट में है। तो यहाँ पे इस लाइन से सिर्फ मेरे पास है एक ही कंक्लूजन निकला, डी इक्वल टू जीरो मीन्स डिस्टेंस है वो जीरो कब होगी? जब क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट है मोस्ट में जीरो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट है दैट मींस उसने कुछ मूव ही नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट 100% श्योर है कि वहां पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, 100% श्योर है कि जीरो रहेगी। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दो ही सिचुएशंस में जीरो रहती है, एक तो तब जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, यहाँ पे लिख देती हूँ when object does not move, when object does not move, second है when object क्या है, second point क्या है, जब object है चला और चलने के बाद है वो same initial positions पे आ गया, means initial and final point are same, initial and final points are same, इन दो सिचुएशंस में आपके डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी, समझ गए? अब आते हैं यहाँ पे, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो बोला, डिस्प्लेसमेंट सब कहाँ होगी? अभी अभी मैंने बताया है जब ऑब्जेक्ट है मूव नहीं किया है, मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सेकंड पॉइंट क्या है, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, इन दोनों सिचुएशंस में क्या डी मस्ट बी जीरो, उसने कहा क्या डिस्टेंस है वो जीरो होगी, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आपके कॉन्सेप्चुअल है वो क्लियर होने चाहिए। देखो डी मस्ट बी जीरो, अगर वो लिखता मे बी जीरो तब हम इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को हम राइट बोल सकते थे, लेकिन उसने लिखा डी मस्ट बी जीरो, डी किसी भी सिचुएशंस में यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट के दो केस है, एक केस कब है, जब वैन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देन उसी सिचुएशन में आपकी डी डिस्टेंस है वो जीरो रहेगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उसने चलने के बाद फिर टर्न किया, टर्न के करने के बाद फिर फाइनल पॉइंट है पे पहुंच गया, उस सिचुएशंस में डी है आपके डिस्टेंस है कभी भी जीरो नहीं होगी, राइट। अब मैं कराती हूँ कुछ नेक्स्ट पॉइंट, अब इन पॉइंट्स को देखना, यहाँ से इसने क्या कहा फोर्थ पॉइंट में, इफ डिस्टेंस है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब आप क्या समझते हो, हर पॉइंट को आप क्लियर करना, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कुछ मूव किया है वो रेस्ट में नहीं है, यहाँ से क्लियर करके चलो, ऑब्जेक्ट डज नॉट रेस्ट, ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में नहीं है मतलब उसने कुछ मूव किया है, कुछ मूव किया है, आई डोंट नो कि कितना, लेकिन कुछ मूव किया है, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, उसने कहा कि एस कांट बी जीरो, उसने कहा कि एस डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं हो सकती, थिंक अबाउट इट, हो सकती है ये स्टेटमेंट गलत है, कैसे आपको
एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, इसकी बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर सेम यहीं पे पहुंच जाता है। जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक आया, तो मतलब कुछ चला है वो यहाँ पे ना, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ चला उसने कहा डिस्प्लेसमेंट कांट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती, हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट है सेम इनिशियल पोजिशन पे आ जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। मतलब इस सिचुएशन में आपकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2πr होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, जीरो होगी। मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस और कुछ नहीं है, कम्प्लीटली पाथ लेंथ है। यहाँ पे सर्कल में चला था तो कम्प्लीटली कितना पाथ कवर करता है इसका हम सर्कमफेरेंस लेंगे, जो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। एंड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि उसने जहां से चला था सेम इनिशियल पॉइंट को टारगेट कर दिया, मतलब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो सेम हो गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई, जीरो हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इससे समझो क्या है डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वो अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं आया है। यहाँ पे लिखो Does not approach initial point पे नहीं आया है, उस distance move किया, उसने कहा D may be zero नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि displacement दो ही situations में zero होगी, या तो rest में हो, rest में तो है नहीं, क्योंकि उसने कहा displacement not equal to zero, मतलब कुछ चला है और वो initial point पे भी नहीं आया, उसने turn भी नहीं किया है, ठीक है। डी में भी जीरो, ये गलत है बिल्कुल, डी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डी एक ही सिचुएशंस में जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रेस्ट में नहीं है, उसने कुछ मूव किया है, राइट। आई होप कि दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को समझते हैं हम। अब देखो इस पॉइंट को कहा, उसने कहा इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, फर्स्ट केस कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एंड सेकंड कब होगा, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इन दो सिचुएशंस में, दो केस में आपके पास है डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहेगी। अब उसने कहा डी मे बी जीरो, उसने लिखा मे, यहां से ध्यान से समझो मे लिखा, उसने मस्ट नहीं लिखा, डी मे बी जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकती है, कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट में है, मतलब जब आपके पास है ये स्टेटमेंट आती है तब, जब आपके पास है ये गिवन हो इनिशियल आई एंड एफ, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट है अगर सेम है उस केस में, उस केस का इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने मूव करके सेम अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस सिचुएशन में आपकी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, इस केस में डिस्टेंस जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे मे लिखा था इसलिए ये ऑप्शन राइट है, अगर यहाँ पे मस्ट लिखा होता तो ये ऑप्शन राइट नहीं होता। आपको एक एक पॉइंट के बारे में बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट है बहुत ध्यान रखे जाते हैं, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना, समझ गए। अब मैं करते हूँ आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से लेके। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड, मतलब ऐसे बोल दिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट था उसने कुछ मूव किया, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसने मूव किया पहले 3 मीटर की डिस्टेंस, आफ्टर दैट है मतलब पहले वो ईस्ट में गया, एंड आफ्टर दैट है ऑब्जेक्ट है नॉर्थ में गया, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद, 4 मीटर डिस्टेंस के कवर करने के बाद। अब आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में बेसिकली पूछा हुआ है कि आपको डिस्टेंस बतानी है, साथ ही साथ है आपको क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है, और इन दोनों के साथ है आपको डायरेक्शंस भी बतानी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है आप इजिली फाइंड आउट कर दोगे, क्या है डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का आपके पास है डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7 मीटर आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, ऐसे सोल्व करके निकाल दोगे, ये दोनों इजी हैं। अब आती है बात डायरेक्शंस की, डायरेक्शंस को कैसे बेसिकली आप फाइंड आउट करोगे, जब भी यहाँ पे जो ऑप्शन है कैसे आएंगे, लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक तो एंगल गिवन होगा जैसे एट 37 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ,
मतलब 37 डिग्री और एक एंगल दे देगा 53 डिग्री का, और ऐसे ही आपको ईस्ट टू नॉर्थ और नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। और सारे के सारे फोर जितने भी चार ऑप्शन होंगे, चारों के चारों ऑप्शंस में आपको है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है वो मैग्नीट्यूड है वो सेम दिया जाएगा। अब आप इस ऑप्शन को कैसे करोगे, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या ध्यान रखना कि आपके पास फाइनल पॉइंट पे मतलब फाइनल पोजीशन है, फाइनल ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में गया वो देखना। फाइनल कहाँ गया, नॉर्थ में गया, तो जिस भी ऑप्शन में क्या आ जाए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ जाए, मतलब नॉर्थ में गया, लेकिन किसका नॉर्थ था, पहले कहाँ चला था, ईस्ट में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आपके पास है नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ये, ईस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप एंगल है आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, टेन थीटा है जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब फोर अपॉन में थ्री, आप ऐसे करते हैं आप एंगल है वो इजिली फाइंड आउट कर लोगे। अब बेसिकली सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी इमेज दी जाए, कैसे, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैं इसी क्वेश्चंस में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, देखो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है पहले 3 मीटर, ठीक है, आफ्टर दैट है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है ईस्ट और नॉर्थ। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप 3D विजुअलाइज करना है कैसे, इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से कराऊंगी। देखो एक ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर गया, आफ्टर दैट है उसने 4 मीटर गया, राइट, फिर वो कहता है कि 5 मीटर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। अब 5 मीटर आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब आप कैसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ध्यान से, जैसे ये 3 मीटर है ऐसे गया, फिर वो 4 मीटर है ऐसे गया, यहाँ से देखो ध्यान से विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अब वो कहता है 5 मीटर आउटवर्ड ऐसे, मतलब बाहर के साइड में। अब इस क्वेश्चन को या तो आप क्या कर सकते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, जस्ट विजुअलाइज करो, एनालाइज करो कैसे, जैसे ये 3 मीटर गया था, 4 मीटर यहाँ पे गया, 5 मीटर यहाँ पे आया। अब इसको यहां से लेके और यहाँ इस पॉइंट से लेके जो ये वाला पॉइंट है इसको मिलाने की कोशिश करो, और यहाँ से फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व करो कैसे। देखो 3 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, और 5 मीटर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो 5 मीटर वो और उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक यहाँ तक, तो 3 और 5 का यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये भी मीटर 5 और ये 5 मीटर। जब भी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, बेसिकली आप इसको रोटेट कर दो। देखो ध्यान से दोबारा देखो, क्वेश्चंस को जब तक समझोगे नहीं, विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप है ऐसे ही फॉर्मूलों के चक्कर में रहोगे। देखो ये था ना, आप उसने क्या कहा था, इसको ऐसे था, एक मिनट, ये था। अब क्या करो, इसको रोटेट कर दो, रोटेट करने से क्या होगा, ये तो ऐसे चला जाएगा और बेसिकली जो ये वाला जो पॉइंट था वो ऐसे उठ जाएगा, समझ गए। देखो ऐसे जो ये बाहर वाला निकला था उसको अगर मैं ट्रायंगल को रोटेट करूंगी तो ये ऐसे आ जाएगा, और फिर क्या करो ऐसे निकाल दो आप इसको, ऐसे जैसे मैं अगर मैं रोटेट करके बताती हूँ तो ये वाला है बिल्कुल बाहर की साइड आएगा, और जैसे 5 मीटर जो आउटवर्ड था वो ऐसे आ गया। अब इन दोनों की कितना आ गया, 5 आ गया, और यहां से आपको निकाल देना, तो यहां से आपकी जो है कितनी आ जाएगी, 5√2 आ जाएगी, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे है सोल्व कर सकते हो सम एनालॉजी का यूज करके, नहीं तो आप क्या करो, 3 था 3 मीटर वो क्या था, आई कैप डायरेक्शन में था, 4 मीटर है वो जे डायरेक्शन में है, और इधर क्या था, 5 मीटर है वो के कैप डायरेक्शन में। अब इनका आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे, मतलब आपको ये क्वेश्चंस के आपको मैनी अप्रोच आने चाहिए। अगर टाइम पे ऑप्शंस है एक मेथड आपको टारगेट नहीं कर पाता तो आप है सेकंड ऑप्शंस का सेकंड मेथड का यूज करके आप उस क्वेश्चंस को सोल्व कर सको, तो आप है इस मेथड से भी इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, राइट। अब मैं करवाती हूँ नेक्स्ट कैसे करना है, अब जस्ट आपको इनका मैग्नीट्यूड लेना, और कुछ नहीं मैंने आपको ले दिया। अब आता है क्वेश्चन कैसे, जैसे आपके पास है कोई भी ऐसे आपको पास पॉइंट ले दिए गए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मैंने लिया, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है फ्रॉम 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6। अगर आपके पास है ऐसे 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपसे पूछा हुआ वहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, आप देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से
कुछ नहीं करना आपको, फाइनल पॉइंट एक्स टू माइनस एक्स वन इसका स्केयर प्लस का वाई टू माइनस का वाई वन इसका स्केयर प्लस का जेड टू माइनस का जेड वन इसका स्केयर, आपको ये सब करना और आपके इस फॉर्मूले में आपको ये वाली वैल्यू है पुट कर देनी है, समझ गए। आपको इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे करना है। अगर आपके पास है एक नहीं, अगर आपके पास है यहाँ पे टू टू थ्री पॉइंट दिए गए हैं तब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। जैसे मान लीजिए सपोज किया आपके पास है ये थ्री पॉइंट दिए गए हैं, पार्टिकल है पहले कहाँ से कहाँ था ये मैं फिगर में समझाती हूँ। पार्टिकल पहले कहाँ था, रेस्ट में था, फिर उसने कुछ मूव किया यहाँ पे आ गया टू थ्री, और आफ्टर दैट है फिर उसने मूव किया तो यहाँ पे आ गया, समझ गए। अब कैसे निकालोगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, पहले इन दो के बीच में फिर जो रिजल्ट आता है फिर उन दो के पास में लेना है, राइट। आप ऐसे कवर कर सकते हो। अब करते हैं, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कवर हो जाता है तो अब मैं करवाती हूं आपको वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट। देखो बिल्कुल बगैर फॉर्मूले से करेंगे। अच्छा देखो कई बार ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, कई बार है आपको इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं आपको जाते हैं, या फिर कोई भी इलिप्स की इक्वेशन दी जाती है, या फिर इक्वेशन ना दिया दे के आपको डायरेक्ट सर्कल और इलिप्स है वो बोल दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कैसे हम सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, मान लिया डिस्प्लेसमेंट में ये जरूर याद रखना क्या आता है, टू आर साइन थीटा बाई टू, इसकी हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल चुटके में फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसको फॉर्मूला है इसको बिल्कुल अच्छे से करवाती हूं। देखो यहाँ पे क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहाँ था स्टार्टिंग में एट ए पॉइंट में और फिर वो बी पॉइंट में गया, तो मतलब इस पॉइंट में इसके बीच में उतना कितना एंगल कितना है 180 डिग्री है। अब मैं इसे पुट करके देखते हूँ डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी आएगी। अगर मैं इसको विजुअलाइज करते हूँ, अगर मैं बेसिकली बोलूं इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी है आर है, तो यहाँ पे है हमारे पास है जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा टू आर आएगा। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं देखो कैसे, टू आर थीटा कितना था यहाँ पे 180 बाई टू 90 साइन 90 वन, तो हमारे पास कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट टू आर आ गया, राइट है। तो आप है इस फॉर्मूले की सहायता से आप बिल्कुल इजिली आप है डिस्प्लेसमेंट है फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछता है डिस्टेंस क्या होती, डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती, पाथ लेंथ होती, मतलब सर्कमफ्रेंस आएगा यहाँ पे आपको सर्कल का और इलिप्स का आपको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कंप्लीट का होता है 2πr, अगर हाफ का निकालेंगे तो इसको है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा πr आ जाएगा, राइट ये ध्यान रखता। अगर आपके पास आ जाता है इलिप्स का, ये आपको याद रखना इलिप्स का आपको बेसिक बातें हैं, अगर आपके आ जाता है इलिप्स दिया हो तो आपको इलिप्स का कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे पाई ए प्लस का बी है, आप इसको ऐसे सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अगर आप देखो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स ऐसे होता है ऐसे, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ध्यान से, ये आपके पास एक इलिप्स है ठीक है, ये अब इलिप्स है सर्कल कब बन सकता है, जैसे मान लिया ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, ये जो इलिप्स है वो सर्कल के फॉर्म में कब आएगा, जब मेरे पास है ए है वो बी के इक्वल हो जाए तब सर्कल हो जाएगा। अब मैं ये दोनों कंडीशन से इसमें पुट करके देखती हूँ क्या मेरे पास ये ठीक लिखा कि मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखा। यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी तो कितना आएगा पाई टू ए आ जाएगी, तो कितना आएगा टू पाई ए आ जाएगा, समझ गए। तो मतलब ये जो मैंने लिखी ये बिल्कुल राइट है। तो हम है इलिप्स का ऐसे करेंगे, जब भी आ जाती है कोई भी इक्वेशन आ जाती है, बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन कैसे आ सकती है, जैसे हमारे यहाँ पे 36 आ गई और यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर है वो कितना आ गया मेरे पास जैसे 25 आ गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी 6 होगी, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, और हाँ अब आप है ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जब अगर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो आपके लिए अब ये इजी रहेगा, राइट। अब करते हैं हम क्वेश्चन से वेलोसिटी और स्पीड को लेके कैसे, देखो ध्यान से देखो, आप बिल्कुल रफ्तार से करेंगे बिल्कुल, और जैसे मैं करवा रही हूं आप देखना यूट्यूब के कण कण में मौजूद है हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से करवाया गया, लेकिन मैं अब बगैर फॉर्मूले से एक सेकंड में आपके सामने आंसर आएगा। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन से लिखा, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लिया ये है ऑब्जेक्ट है उसमें कैसे दिया है, उस ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव किया ऐसे राइट, कोई भी कुछ भी आप ले सकते हो यहां पे,
इसमें मुझे आपको बतानी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और यहां पे कितना आएगा 5 सेकेंड। ठीक है, और यहां पे है 7 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर। ऑप्शन है इसके कुछ इस तरह से है 4 मीटर पर सेकेंड। जल्दी जल्दी बताओ, अगर किसी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर टॉपिक कवर हो गया ना, तो ये क्वेश्चंस आपका जस्ट ऑप्शन देखते ही एक सेकेंड में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। बगैर पेन कॉपी के करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व और विदाउट एनी फॉर्मूला हर ऑप्शन को बताऊंगी कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास हर एक अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, तभी आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 6 मीटर एंड 4 मीटर पर सेकेंड। जल्दी बताओ, मैंने पूछा एवरेज स्पीड, सबसे पहले है एवरेज स्पीड और सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी। अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप प्लीज पेशेंस रखो और हमेशा आप ध्यान से देखो कैसे करना क्वेश्चंस को। क्या पूछा यहाँ पे, एवरेज स्पीड पूछी हुई है, और यहाँ पे क्या पूछा सेकंड ऑप्शंस में एवरेज वेलोसिटी। देखो ये क्या था, पहले ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में कहा था, रेस्ट में था। ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन आराम से करना आप कर पाओगे। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में था, कहाँ पे गया 12 मीटर, 12 मीटर के बाद वो कहाँ आया 7 मीटर। मतलब पहले 12 मीटर मतलब एक ऑब्जेक्ट था, उसने 12 मीटर की डिस्टेंस है वो कवर की, वो आफ्टर दैट है वो कहाँ पे आया 12 मीटर से 7 मीटर कब आया होगा, जब उस पार्टिकल ने टर्न किया होगा। थिंक अबाउट टर्न, पार्टिकल है पहले 12 मीटर पे गया, मतलब ये डिस्टेंस उसने 12 मीटर कवर की, आफ्टर दैट फिर वो 7 मीटर पे आया, फिर वो फिर 20 मीटर पे गया। ठीक है, तो उसने कितने टर्न लिए, 2 टर्न लिए, एक एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड और सेकेंड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, पहले आप इसको मेथड से करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे करना। देखो यहाँ पे विजुअलाइज करो, फिजिक्स को फील करो, जब तक आप फिजिक्स को फील नहीं करोगे यू कांट अमेजिन, हमेशा आपको फिजिक्स से ऐसे ही डर लगता रहेगा। और मेरा टारगेट है कि मैं फिजिक्स को इतना स्मूथ बनाऊ, इतना अच्छे से आपको समझाऊ कि आपको फिजिक्स है ना उससे डरना भूल जाओ। सर बिल्कुल फिजिक्स का किसी को भी देखो, चाहे टीचर्स की बात हो या फिर स्टूडेंट्स की बात हो, हर किसी से सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि फिजिक्स हमें टफ लगती है, समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है वो ऐड हो जाते हैं साथ के साथ है, कॉन्सेप्ट के साथ है, क्या हाँ आपके पास फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, उसके बाद है इस क्वेश्चन को आप ही करोगे जस्ट 1 सेकंड में। कैसे, पार्टिकल कहाँ था स्टार्टिंग में, रेस्ट में था, पहले कहाँ से 0 से 12 मीटर, उसके बाद है यहाँ पे 12 मीटर था, फिर उसने 7 मीटर है यहाँ पे सेकंड पे, यह कितना था 7 मीटर पे आया, और फिर है उसके बाद है 20 मीटर पे गया। अब यहाँ से जो आपके डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल है उसकी कितनी पोजिशन है 20 मीटर पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास है, मैं क्या निकालू आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है इनिशियल प्लस माय वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड टोटल टाइम कितना 5, तो कितना आएगा 4 सेकंड आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, उसने कितना कंप्लीटली टोटल पाथ कवर किया 12 मीटर, 7 मीटर मतलब वो कितना पीछे आया 5 मीटर, यहाँ पे आया ना तो 5 मीटर, और फिर यहाँ पे गया वो 20 मीटर। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे आप है विदाउट कॉन्सेप्ट है कैसे सोल्व कर सकते थे। जब भी मैंने क्या कहा था, थिंक अबाउट टर्न, जब भी टर्न की बात आ जाती है कुछ नहीं देखना, टर्न देखो। अब जैसे ही टर्न की बात है मैंने क्या बताया था कि टर्न के बाद होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। टर्न से पहले तो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, लेकिन टर्न के बाद है डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो कम होती चली जाती है। सिर्फ आपको इतना सोचना था और कुछ भी नहीं।
डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड कैसे आती है, एवरेज स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी कम होगी। और उसने लिया है यहाँ पे टर्न है, तो टर्न के बाद है डिस्प्लेसमेंट कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो एवरेज वेलोसिटी है वो कम होगी और एवरेज स्पीड है वो ज्यादा होगी। सिर्फ आपको इतना सोचना था, अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है वो कम होगी, तो जिस भी ऑप्शन में एवरेज वेलोसिटी कम है ये देखो ऑप्शन 4 अगर इस राइट ऑप्शन, आप ऐसे सोच के एनालाइज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, समझ गए। उसने टर्न लिया, टर्न के बाद है डिस्टेंस है बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो डिस्टेंस जो स्पीड क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है वो ज्यादा आएगी। और टर्निंग के बाद है डिस्प्लेसमेंट कम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जो स्पीड है वो सॉरी वेलोसिटी है वो क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है वो कम आएगी और एवरेज स्पीड है वो ज्यादा आएगी। दोनों इक्वल कभी भी किसी भी सिचुएशंस में नहीं हो सकते, दोनों ऑप्शंस मतलब ये दोनों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशंस में इक्वल आ सकती है, कब, जब तक पार्टिकल ने टर्न नहीं किया है। अगर आपके पास ऐसे दे देता है, मतलब अगर आपके पास ये बोल देता है कि पार्टिकल यहाँ था और जस्ट उसने ऐसे मूव किया है, मतलब एक बेसिक मैंने ये लिया ऐसे, अगर फर्स्ट जो ऐसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तभी उस सिचुएशंस में आपके पास है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो इक्वल आने वाली है, अदरवाइज किसी भी सिचुएशंस में इक्वल नहीं होगी। तो आई होप कि मैंने बता दिया है कि इक्वल क्यों नहीं होगी, कौन सी कम होगी कौन सी ज्यादा होगी, कैसे देखना है आपको, ठीक है। आप ऐसे इस क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो। आप देखते हो नेक्स्ट टाइप के, अब मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश करते हैं, आप प्लीज उसको बताना, और आप छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, इसी से सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास है, जैसे मान लिया एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है और एवरेज स्पीड पूछी जाती है, कई बार कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना कौन सा नहीं लगाना है हम करेंगे बगैर फॉर्मूले के। बेसिकली यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं एवरेज वेलोसिटी के और एवरेज स्पीड के निकालने के, समझिए कैसे, आपका जब टाइम है इक्वल टाइम इंटरवल हो तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना, जब इक्वल डिस्टेंस यूज की हो तब आपने कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना, जब भी आता है इक्वल टाइम इंटरवल का तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, v1 प्लस का v2 अपॉन में 2 करना है, दैट्स इट, समझ गए। जब भी बात आती है इक्वल टाइम इंटरवल की, राइट, लेकिन जब भी बात आती है किसकी, इक्वल डिस्टेंस की, इक्वल ट्रेवल की, तब आपको कौन सा फॉर्मूला पे, अगर आपके पास है 2 टाइम इंटरवल गिवन हो तो आपको ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आपके पास है n टाइम इंटरवल गिवन है तो आप है इस फॉर्मूले को ऐसे है यूज करोगे, vn अपॉन में जितना भी गिवन था, अगर आपके पास है इक्वल डिस्टेंस गिवन थी तो आप है बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है यूज करेंगे, समझ गए। लेकिन मैं हाँ इन दोनों में से कोई भी, ये जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इन तीनों फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मूला हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो आपके पास एक क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस क्या गिवन है, जैसे मान लिया आपके फादर है, मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपके फादर है, आपके फादर है फर्स्ट मंथ में अर्न करते हैं 20,000 रुपीज, जस्ट मैंने एज्यूम किया फर्स्ट मंथ में कितना अर्न किया 20,000 और सेकेंड मंथ में कितना अर्न किया 30,000। अब मैंने पूछ लिया, अब इनका आपके पास है आपको एवरेज बताना, तो आपका आप सोचो मैंने क्या कहा, आपके फादर है फर्स्ट मंथ में 20,000 अर्न करते हैं, अब अपने धीरे धीरे हम आएंगे अपने क्वेश्चंस को कैसे, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझो, फर्स्ट मंथ के आपके फादर है अर्न करते 20,000 एंड सेकेंड मंथ में आपके फादर ने अर्न किया 30,000। अब मैंने पूछा आपका एवरेज है, आपके फादर का जो एवरेज अगर मैं इनकम पूछती हूँ तो वो कितनी है, तो आप क्या बताओगे, आपको क्या देखना ध्यान से, जब भी एवरेज का क्वेश्चन आ जाए तो जो भी आपके पास अमाउंट गिवन हो हमेशा आंसर है उसी के बीच में रहेगा, न तो उससे बाहर जाएगा, मतलब न तो उससे ज्यादा रहेगा और न ही उससे कम रहेगा, सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस बात को अपने बिल्कुल माइंड में बिठा लो, जब भी आपसे पूछा जाता है एवरेज, अब यहाँ से पूछा था मैंने एवरेज 20 और 30, मतलब जो आपके फादर की अगर एवरेज जो इनकम निकल के आएगी वो 30,000 से होगी, अगर मैं पूछती हूँ उसकी एवरेज तो वो 20,000 से कम नहीं रहने वाली, तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो एवरेज निकल के आएगी वो है
आपके पास 30,000 से ज्यादा नहीं रहेगी और 20,000 से कम नहीं रहेगी, मतलब इन बिटवीन लाइक रहेगी। अगर आप इतनी बात को समझ गए तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखो मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट है वो क्या मूव करता है पहले मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में, पहले मूव किया उसने 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल की बात करती हूँ, उसने मूव किया 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है उसने मूव किया 40 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है आपसे ये पूछ लिया, मतलब पहले एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता था, ये एवरेज वेलोसिटी गिवन है इतनी वेलोसिटी से यहाँ पे, फिर सेकंड टाइम है इतनी वेलोसिटी पर, जो लास्ट टाइम इंटरवल वो है इतनी वेलोसिटी से मूव करता है। अब इस ऑब्जेक्ट की आपको बतानी है एवरेज वेलोसिटी है बेसिकली वो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपके पास है 90 मीटर पर सेकेंड, एंड अवर थर्ड ऑप्शन है आपके पास है गिवन है, मैंने जस्ट आपके जस्ट एज्यूम करके लिख रही हूँ 75 मीटर पर सेकेंड, एंड अवर थर्ड ऑप्शन है आपके पास है वो गिवन है आपके पास है नियर अबाउट 25 मीटर पर सेकेंड। जस्ट मैंने ये अपने साइड से ऑप्शन लिए हैं, ठीक है आंसर है कुछ भी आ सकता है, यहाँ से ध्यान से देखना आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। अब यहाँ से देखो आपके पास जो अमाउंट कितना गिवन होता है 15, 20, 14। अब जो आपका पास जो एवरेज निकल के आएगा वो आंसर इन तीन वैल्यूज के बीच में आएगा। अब इन तीन वैल्यूज में जो 9 है वो इन तीनों से कम है, आंसर ये नहीं होगा 90 है। ऑप्शन है कुछ इसी तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, जस्ट आपको एक एनालाइज आना चाहिए, एक एनालॉजी आनी चाहिए कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। 90 तीनों से ज्यादा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। 75 है तो ये 75 भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों से ज्यादा। अब इन तीनों के बीच में लाइक क्या करता है 25। अब यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल गिवन था, जस्ट यहाँ पे जस्ट मैंने जस्ट आइडिया से लिखा था, आप इसको कैसे कर सकते हो 15, 20 प्लस का 14 तो कितना आएगा 60, 70, 75 अपॉन में 3 तो यहाँ से कितना आएगा 25। तो आई थिंक ये सही लिखा था मैंने 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करोगे, समझ गए। देखो क्वेश्चंस को कैसे करना है, कभी मैंने गलत तो नहीं किया, 40, 50, 60, 70, 75 और 3 से डिवाइड किया तो यही आएगा, ठीक है। ठीक है अब मैं करवाती हूँ कैसे हम जस्ट ड्रॉप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कैसे अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अब देखो देखो मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे, ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास ये वैल्यू है 20, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस चीज से आप क्या समझते हो, जस्ट पहले आप मेरे को ये बताओ इस चीज से क्या समझते हो, जस्ट आपको सिर्फ एक बात समझनी, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस हैं हम लाइट की स्पीड से करने वाले हर क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला। अब आप ये कहोगे इतनी छोटी सी चीज ये क्या 10 मीटर पर सेकेंड, देखने में 10 मीटर पर सेकेंड है, आप इससे समझते क्या हो, मेन थिंग इज दैट देखो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है पर सेकेंड में कितना चेंज होता है 10 मीटर का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पर सेकंड में डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी वो कितनी चेंज होगी 10 मीटर से चेंज होगी, इसका मतलब ये है। अगर मैं ये लिखती हूँ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड का स्केल, ये मेरे पास है बेसिकली मैंने एसिलेशन लिखा है, एसिलेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड का स्केल, इससे क्या समझते हो, इससे आपका क्या मतलब है, इसका मतलब है पर सेकंड है जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कितने से सेकंड चेंज होगा 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा पर सेकंड। एक्सेलरेशन में क्या पर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होगा 10 मीटर से चेंज होगा, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा, और यहां से क्या मतलब है पर सेकंड में 10 मीटर का चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा दैट मींस ये अंडरस्टूड है, ये क्या है आपके पास है यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की बात गिवन नहीं है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ आई कैप है या जे कैप है या के कैप को मेंशन कर देती हूँ दैट मींस ये अंडरस्टूड है कि फाइनल पॉइंट है वो कहीं ना कहीं सेम उसी डायरेक्शन में आएगा, राइट और नो। अब यहां से देखो, अब देखो जब भी ऐसे आ जाता है यहाँ पे जैसे
मैंने आई कैप लिखा, ये क्या है मेरे पास, जैसे मैंने वेलोसिटी लिखी, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एंड आई कैप के डायरेक्शंस में गिवन है, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि फाइनल पॉइंट है कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शंस में आएगा, तो दैट मींस वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, वही पाथ लेंथ है, मतलब ये सिचुएशंस में आपकी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की दोनों इक्वल रहेंगे। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो अभी अगर आपको क्लियर हो गया स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने एसिलेशन का कॉन्सेप्ट। एसिलेशन में ध्यान से देखना, एसिलेशन है बच्चों में कंफ्यूजन होती है कई बारी रिटार्डेशन में, और कई बारी है आपके पास एसिलेटेड मोशन कहाँ पे होगा। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे दो वैल्यू गिवन देती हूँ और आप मेरे को बताना कैसे किसमें क्या होगा। यहाँ आपके पास है वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट, और एसिलेशन है इसमें गिवन है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड का स्केल। अब आप मेरे को ये देख के बताओ यहाँ पे ये अच्छा ये इसको मैं रेस कर देती हूँ। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड का स्केल। अब आप मेरे को बताओ ये रिटार्डेड मोशन को शो कर रहा है या फिर एसिलेटेड मोशन को शो कर रहा है, फटाफट बताओ। आप इस वैल्यू को देख के आप है ये इमेज नहीं कर सकते, ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये रिटार्डेशन मोशंस को शो करेगा या एसिलेटेड मोशंस का शो करेगा। बेसिकली ये क्या हमारे पास है, आपके पास है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज अभी तक मैंने यहाँ पे वेलोसिटी है उसको मेंशन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को बेसिकली मेंशन कर देती हूँ जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, तब आप इसको देख के बता सकते हो कि यहाँ पे जो एसिलेशन गिवन है वो रिटार्डेड करेगा, मतलब वो वेलोसिटी को कम करेगा या ज्यादा करेगा। एक्चुअली जब भी आपको कुछ भी देखना हो, जब भी अगर एक सिंपल सी बात है ध्यान से समझना, जब भी वेलोसिटी और एसिलेशन का मतलब म्यूचुअल डायरेक्शंस को देखना, अगर दोनों के दोनों सेम है, मतलब अगर वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट है वो भी आगे जा रही है और उसको धक्का भी पीछे लग रहा है, तो मतलब है वहां पे वेलोसिटी है उसमें इंक्रीमेंट होगा, और वहां पे हम कहेंगे कि एसिलेशन है वो क्या कर रहा है, आपको एसिलरेट कर रहा है, मतलब एसिलरेटेड मोशंस होगा वहां पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ अगर आपको मतलब चल आप आगे रहे हो, मतलब आपकी वेलोसिटी आगे है, लेकिन अगर आपको धक्का है वो अपोजिट साइड में लग रहा है, मतलब एसिलेटेड है वो नेगेटिव है और आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, मतलब अपोजिट है दोनों म्यूचुअल डायरेक्शन है, दैट मीन्स उस सिचुएशन में आपको कहेंगे कि ये जो एसिलेशन यहाँ पे गिवन है वो रिटार्डेड मोशन को गिवन है। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं देखना, जब भी वेलोसिटी और एसिलेशन आ जाती है तो आपको उनकी म्यूचुअल डायरेक्शन देखनी है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है दैट मीन्स वहां पे एसिलेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी है उतने से चेंज होगी जितनी गिवन है वहां से। जैसे यहाँ पे अगर दोनों है सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे एवरी सेकंड है वेलोसिटी में कितने का है वो वेलोसिटी है वो कितने से चेंज होगी, 2 मीटर से चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे एसिलेट है धक्का कितने से लग रहा है वो एसिलेट, इसका मतलब क्या है पर सेकंड है वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा 2 मीटर पर सेकंड का, मतलब एवरी सेकंड है कितने से चेंज होगी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहती हूँ, अगर ये माइनस है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों है अपोजिट डायरेक्शन से में आगे, मतलब वेलोसिटी आगे है और एसिलेशन पीछे है, तो एवरी सेकंड है वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, कितने से चेंज होगी 2 मीटर से चेंज होगी। अगर आपको ये क्लियर हो जाता तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। बेसिकली बच्चों को रिटार्डेड मोशन में और एसिलेटेड मोशन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, अगर आपको अंडरस्टैंड है तो आप इस क्वेश्चंस को बोलो। देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें आपसे बताना है एसिलेटेड ऑप्शंस कौन सा है, कौन सी में, मतलब किस ऑप्शंस में आपको एसिलेटेड मोशंस की फील आ रही है आपको वो बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गया है, गिवन में आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे गिवन है बेसिकली वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, मतलब है आपकी वेलोसिटी है ऐसे है, ठीक है, एसिलेशन ग्रेटर देन जीरो, एसिलेशन है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव है एंड एसिलेशन है वो भी पॉजिटिव है, दैट मींस है अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब टाइम के साथ है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मींस वो क्या होगा एसिलेटेड मोशन होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कई बार बच्चे क्या समझ आते हैं, कई बार अगर आपके पास ये गिवन हो ना a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्केल, तो इसको
देखते ही क्या बोल देते हैं, ये रिटार्डेड मोशन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को इसी क्वेश्चन से आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों पैरेलल है, मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन के पैरेलल है, तो दैट मींस ये क्या है आपके पास है एक्सीलरेटिंग मोशन को शो करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में यू है मतलब है ऑब्जेक्ट है ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसको धक्का है वो ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है वो एंटी पैरेलल है किसके एक्सीलरेशन के, तो ये क्या करेगा रिटार्डेड मोशन है, एवरी सेकंड है वेलोसिटी को कम करेगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी है वो आगे है ऐसे ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है लेकिन उसको धक्का है वो भी वो पीछे लग रहा है, इसमें धक्का आगे लग रहा था इसमें क्या है पीछे लग रहा है, ये आपके पास है वेलोसिटी है और ये है आपके पास है एक्सीलरेशन है, ये भी क्या है एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एवरी सेकंड है वेलोसिटी में कम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट है पीछे चल रहा है और उसको एक्सीलरेशन मतलब उसको धक्का भी पीछे लग रहा है, तो दैट मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन भी यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन को शो करेगा, मतलब वेलोसिटी को पर सेकंड में उसको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करेगा, तो समझ गए। तो आपके पास है ए ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन है आपको कौन से मोशन को शो करते हैं एक्सीलरेटेड मोशन को शो करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर किसी को भी समझ नहीं आता एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज है दोबारा से क्वेश्चन को या दोबारा से अपने वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा रिपीट करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी तक सिर्फ मैंने एक ही एक्सीलरेशन की बात की थी, वो है कौन सा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ओनली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने में, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम करेगा या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा करेगा, जैसे मैंने अभी अभी समझाया आपको। लेकिन जो दूसरा एक्सीलरेशन होता है जिसका नाम है एसी, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये सिर्फ क्या करेगा ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, ये जस्ट ओनली आपके डायरेक्शंस को चेंज करता है, ये होता मोस्टली जब पार्टिकल है कहाँ मूव करता है इन सर्कुलर मोशंस में, राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चंस को करेंगे विदाउट फॉर्मूला विदाउट पेन कॉपी, देखो कैसे करना है। क्वेश्चंस क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा है एक पार्टिकल है वो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी दी गई है, उसमें डायरेक्शंस मेंशन है से आई कैप, एंड उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना गिवन है प्लस 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब सिर्फ आपको दो बातें देखनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे से इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन कितना गिवन है प्लस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी में क्या करेगा, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों है वो पॉजिटिव है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको धक्का भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब एवरी सेकंड इस एक्सीलरेशन से क्या समझे, इस एक्सीलरेशन से आप समझते हो कि पर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा 2 मीटर पर सेकंड से चेंज आएगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है एवरी सेकंड है प्लस 2 मीटर पर सेकंड से उसमें इंक्रीमेंट आएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे इनिशियल, अच्छा यहाँ पे देखते हैं पूछा क्या हुआ, पूछा उसने फाइनल वेलोसिटी पूछे कितने टाइम के बाद एट t इक्वल टू 6 सेकंड के बाद। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी कितनी थी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के बाद पूछी है 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड में कितना चेंज होएगा, यहाँ पे 6 सेकंड में जो ये वेलोसिटी है वो कितनी चेंज होगी 12, क्योंकि एक्सीलरेशन कितना गिवन है 2, एवरी सेकंड से 2 का चेंज होगा, तो 6 सेकंड में कितने का चेंज होगा प्लस 12 का, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 22 मीटर पर सेकंड, बस दैट्स इट, ये थी आपके फाइनल वेलोसिटी ऐसे निकालनी थी। अब यहाँ पे पूछते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, किसमें पूछा इन सेकंड, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता है कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको यूनिफॉर्म मोशन में चेंज करना है। अब मैं आपको वो मेथड तो आपको नहीं बताऊंगी बट डायरेक्ट है कैसे करते है देखो, जब भी आपसे पूछता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है एंड जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, इन दोनों को आपको एवरेज ले लेना है, तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा 22 और 10 कितना आएगा 32, तो 32 बटे विद 2 इन दोनों का एवरेज लेना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, कितने टाइम के बाद पूछा है 6 सेकंड के बाद पूछा है, तो हमारे पास है जो एवरेज जो स्पीड और जो डिस्टेंस एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आएगी 96 मीटर, यहाँ पे यस
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछी थी ना, तो यहाँ पे कितनी आएगी 96 मीटर आएगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे करना है विदाउट एनी फॉर्मूला, समझ के कुछ भी नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में पूछा 6 सेकंड में, एक्सीलरेशन कितना गिवन है प्लस 2, दोनों के देखो डायरेक्शंस क्या है। मतलब अगर अपोजिट होगी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के, अगर दोनों की अपोजिट है तो क्या होगी वेलोसिटी कम होगी जितना एक्सीलरेशन वहां पे गिवन होगा, बट यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे मतलब दोनों सेम साइन में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा कितना जितना एक्सीलरेशन गिवन होगा पर सेकंड में। कितने टाइम में पूछा था 6 सेकंड में, तो मतलब 6 सेकंड में कितने का चेंज आएगा 12 का चेंज आएगा। इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दो आपके पास है आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी में जो कितना चेंज हुआ वो ऐड कर दो आपके पास है फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही निकालते हैं हमें, मैंने क्या निकाला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों सेम होंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे उसने जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी वो कितनी थी आई कैप थी, मतलब मुझे पता है फाइनल है कि फिक्स डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मेरे पास है फाइनल पॉइंट मिलने वाला है और डिस्टेंस और वहां पे डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो मैं एक क्वेश्चन सोल्व देती हूँ, उस क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करना। यहाँ पे दिया है मैंने इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड का स्केल, आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड के बाद है, आपको क्या बतानी है फाइनल वेलोसिटी बतानी है, डिस्टेंस एंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आपको दोनों की दोनों कैलकुलेट करनी है, कब आफ्टर टी इक्वल टू 5 सेकंड के बाद आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, आफ्टर दैट फिर जैसे मैंने करवाया उससे मेथड से ट्राई करो। अब देखो मैं बताती हूँ आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी में पर सेकंड में कितना चेंज कितने का इंक्रीमेंट होगा 2 मीटर पर सेकंड में, ऐसे ऐसे करके 5 सेकंड में कितना चेंज होगा 10 मीटर, इस 10 मीटर इसमें ऐड करो इनिशियल कितनी थी 20, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्या पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों की दोनों क्या आएगी 30, दोनों का एवरेज 30 प्लस 20 50 अपॉन में 2 कितना आएगा 25, कितने टाइम में पूछी है 5 सेकंड में, तो मेरे पास कितना आएगा 125 मीटर, हमारे पास क्या आएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगी। इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब करवाती हूँ मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। आप देखो कैसे करना है, अब एक क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना बगैर पेन कॉपी और विदाउट एनी फॉर्मूला के, आपको करके दिखाना। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक्सीलरेशन गिवन है यहाँ पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड का स्केल ये गिवन है, आपको बताना है टाइम कब जब वो एट मैक्सिमम को रीच करे, मतलब कितने टाइम में वो एट मैक्सिमम को रीच करता है, और आपको बताना है एट मैक्स, आपको ये दो आपको है ये दो टर्म बतानी है, टाइम भी बताना है कब जब वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है, और सेकंड थिंग इज दैट आपको एट मैक्सिमम बतानी है इस बिल्डिंग की कितनी थी, ये एक बिल्डिंग थी, फटाफट बताओ बगैर पेन कॉपी और विदाउट एंड फॉर्मूले का यूज। अब आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप ध्यान से देखो। अब मैंने ये क्या है, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो नीचे है, क्योंकि एक्सीलरेशन है वो नीचे है, और हम मैंने जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो ऊपर थ्रो किया है, तो मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या करेगा एवरी सेकंड है वेलोसिटी को 10 से छीन रहा है, तो मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड थी, तो टी इक्वल टू 1 पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे करके कितने टाइम के बाद टी इक्वल टू 4 सेकंड के बाद है उसकी कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, और उसके बाद है जो ऑब्जेक्ट है वो है नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब मेरे पास है टाइम कितना आया टी इक्वल टू 4 सेकंड, मैंने बगैर फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को ऐसे ही निकाल लिया। आफ्टर दैट है अब मुझे निकालना है एच मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, दोनों का एवरेज कितना आया 70, टाइम कितने के बाद बताई थी 4 सेकंड, तो मेरे पास जो एच मैक्सिमम निकल के आया वो कितने निकल के आया हाइट है वो कितने निकल के आई 80 मीटर, समझ गए। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली यूट्यूब के कण कण की दुनिया में फॉर्मूले से करवाए जाते हैं, लेकिन हमने इन क्वेश्चंस को कर किया बगैर फॉर्मूले के और बगैर पेन कॉपी के, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जस्ट मैं बता रही थी तो मेरे को इतना टाइम लगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यकीन मानिए आप इन क्वेश्चनों को 1 सेकंड में कर सकते हो, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आएंगे।
मैम मैं करवाऊंगी आपको जस्ट ड्रॉप के, मतलब एक बिल्डिंग है यहाँ पे, इस बिल्डिंग पे कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऐसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया यहाँ से, ठीक है। आप उसने बताया है जो ये बॉल है ये कितनी वेलोसिटी से नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, मतलब आपको क्या बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, मतलब कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। सेकंड थिंग इज दैट आपको क्या बतानी है, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है। और उसने यहाँ पे टाइम गिवन है कि इस जो ऑब्जेक्ट ने जो यहाँ पे ये जस्ट ड्रॉप इट, ठीक है, कि T=3 सेकंड के बाद है उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और वेलोसिटी वो सॉरी हाइट कितनी थी ये आपको बतानी है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखोगे, जब भी है ये पर्सन है ये ऑब्जेक्ट है इस बॉल को थ्रो करता, मतलब जस्ट ड्रॉप करता, तो दैट मीन्स वहां पे इनिशियल वेलोसिटी है इस कंडीशन में कितनी आती है, जीरो आती है जस्ट ड्रॉप वाले कंडीशन में। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन है बेसिकली वो कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड के स्केल से गिवन है। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन है वो भी नीचे है, तो दोनों में अब की बार वेलोसिटी में कितने का चेंज होगा, कितने का इंक्रीमेंट होगा पर सेकंड में 10 मीटर का, वो सारी की तरह चीजें हैं एक्सीलरेशन बता देता है। तो T=1 सेकंड पे तो यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। और ऐसे करके उसने क्या बताया था, ऐसा करके उसने कितने टाइम के बाद पूछी है, T=3 सेकंड, तो T=3 सेकंड पे मेरे पास है क्या जाएगी, जो मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 30 मीटर पर सेकंड आएगी T=3 सेकंड पे। अब यहाँ पे फिर सेम वही सिचुएशन, एच पूछा उसने, हाइट पूछी, तो एच कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज, तो यहाँ से आएगा 15, कितने टाइम के बाद, 3 सेकंड के बाद, अभी देखिए। तो यहाँ पे कितने टाइम के बाद पूछा उसने, 3 सेकंड के बाद पूछा, तो यहाँ पे मेरे पास है हाइट कितने निकल के आ रही है बिल्डिंग की, 45 मीटर। जस्ट ड्रॉप वाले क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। अब आपको कैसा लग रहा है, इस क्वेश्चंस को आपको बगैर फॉर्मूला के और बगैर पेन कॉपी के सोल्व करके प्लीज आप मुझे एक कमेंट जरूर करना और इसी के लिए एक लाइक करना, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को प्लीज प्लीज शेयर करो। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपसे किस साइड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले ध्यान से वो देखो। सबसे पहले आपसे ऐसे पूछ सकता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी है इन T=6 सेकंड में, ठीक है, या फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है इन T=6 सेकंड में। आपको ये ध्यान रखना, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, जब भी बात आती है एस की, मतलब जैसे S1 S2, मतलब इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एट मतलब 1 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट एट T=3 सेकंड, यहाँ पे T=3 सेकंड में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल यहाँ S3, मतलब टाइम T=3 सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, T=0 से लेकर T=3 सेकंड तक, T=0 से T=3 सेकंड तक उसने टोटल कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की है, इसमें बेसिकली ये आएगा। लेकिन अगर पूछता है S3 से, मतलब यहाँ पे मतलब T=3rd टाइम पे जब ऐसे आ जाता है, तो तब इसमें क्या ध्यान रखना है, तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आएगा तब आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है S=2 to S=3 सेकंड में, इससे कम हो जाएगी, जो भी दिया है उससे कम करना है S=2 to S=3 सेकंड में, आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। आपको रेशो याद करना है, ये रेशो बेसिकली कैसे आया है वो कभी फिर बताऊं, जस्ट आपको याद कैसे रखना है ये ध्यान को, S1 S2 S3 आपको सोनो ऐसे जब भी ऐसे आता है तो क्या रखोगे, वो रेशो है, आप क्या याद रखोगे, सब 1 square 2 square 3 square आपको सोनो एन स्केर, लेकिन अगर पूछ लेता है ऐसे S3rd या आपको सोनो SN, तो आप इसको कैसे निकालना, 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो N-1, आपको ये फाइंड आउट, ये आपको याद रखना, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो यहाँ पे 2N-1 आएगा, सॉरी, ठीक है, आपको ये रेशो याद रखना, इन्हीं रेशो का यूज करके मैं आपको कैसे क्वेश्चन निकालने वो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बॉल है वो रिलीज की गई है फ्रॉम अ बिल्डिंग, वो हाइट गिवन है H=125 मीटर, मतलब ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी गिवन है 125 मीटर। देन आपको फाइंड आउट करना है तो टाइम फाइंड आउट करना कब टू रीच द ग्राउंड, जब वो ऑब्जेक्ट है मतलब वो बॉल है जब ग्राउंड पे पूछता है, और सेकंड आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, ये आपको दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे T=0 था, T=0 सेकंड पे बॉल को आपको रिलीज किया गया है, ठीक है, कितनी हाइट पे H=125 मीटर। अब T=1 पे कितना आएगा, अब यहाँ पे अंडरस्कोर एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, तो वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर है, यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन लेना है, तो पर सेकंड में वेलोसिटी कितने का चेंज आएगा, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज आएगा। तो यहाँ पे T=1 पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आएगी, तो यहाँ पे अगर मैं S निकालूंगी तो S1 है वो कितना आएगा, 5 मीटर आएगा, S1 आ गया 5 मीटर, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ पे हाइट गिवन है, कितनी गिवन है 125 मीटर, तो हम क्या करेंगे इसको ST/S1 का स्केयर, अब यहाँ पे ST ये कितनी गिवन है 125, यहाँ पे ये कितना मैंने निकाला S=5, T मुझे निकालना है, तो यहाँ से कितना आएगा 25, T किसके कितना आएगा 25, T किसके इक्वल आ गया 5 सेकंड, तो मतलब 5 सेकंड के बाद है वो बॉल है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, तो मतलब मेरे पास टाइम कितना आ गया 5 सेकंड, तो T तो आ गया मेरे पास 5 सेकंड। अब मेरे को निकालनी है बेसिकली वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, आपको कैसे निकालनी है, कुछ नहीं करना वेलोसिटी में, मैं इसको ये सकती हूं, वेलोसिटी निकालनी है, अब यहाँ पे देखो
स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो एवरी सेकंड है, बॉडी हम नीचे आ रही है, एक्सीलरेशन है वो भी नीचे है, तो एवरी सेकंड कितने का चेंज आएगा, 10 का चेंज आएगा, तो यहां पे टाइम इक्वल टू मतलब 5 सेकंड के बाद है कितनी आएगी मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी फाइनल कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी आएगी क्योंकि एवरी सेकंड टाइम का चेंज आएगा, तो 5 सेकंड में कितने का चेंज आएगा 50 का चेंज आएगा, इन्हीं से कितनी थी, जीरो थी तो जीरो में 50 ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आएगी, राइट। अब मैं बताती हूं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट, देखो मैं कराऊंगी आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जैसे अभी मैंने एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट करा था, बेसिकली जब भी ग्रेविटी के क्वेश्चन आए थे, जब भी मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था या ऊपर से मतलब नीचे से मैंने ऊपर थ्रो किया था, तो वहां पे है वेलोसिटी को कम और ज्यादा कौन कर रहा था, एक्चुअली में एक्सीलरेशन वो कम कर रहा था, लेकिन अब आती जब है आती है बात है स्टॉपिंग की, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस कौन थे जो सारे के सारे वो एक्सीलरेशन में थे, जो वेलोसिटी का कम और ज्यादा वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या एक कार है, यहाँ पे अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझा कैसे करना, बेसिकली यहाँ पे जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, यू स्केप पे डिपेंड करती है, कैसे यहाँ पे एक्चुअली है जो कम एक्सीलरेशन कर रहा था, यहाँ पे जो कार है ना, जब हम ब्रेक लगाते हैं कैसे आते हैं कार है उसकी स्पीड इतनी है, वो कितने से आपको है ब्रेक लगाए कि वो इतनी दूर के बाद है, वो रुके तो उसने कितना ब्रेक लगाया, कितना उसने काम किया, वो सब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा यूज के डिपेंड करता है, कुछ दी है स्पीड यू इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब एस1 है वो कितना गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, देन बट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर दिस कार, और इफ इट इज मूविंग एट द स्पीड 4 यू, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछिए S4 पे आपको पूछ ली गई है जब उसकी स्पीड है कितनी गिवन है 4 यू गिवन है, तो यहाँ पे देखते कैसे करेंगे S2, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं S2 है वो आपसे है यहाँ पे पूछ ली गई है, समझ गए, यहाँ पे पूछे बट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब S2 पूछिए कब जब उसकी स्पीड कितनी है 4 यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम S2 अपॉन में S1 यू स्केल पे डिपेंड है, तो यहाँ पे आएगा 4 यू इसका स्केल अपॉन में यू स्केल, तो ये कितना आएगा 16 यू स्केल अपॉन में यू स्केल, तो यू स्केल बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, S1 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो यहाँ पे S2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में 2 व्हिच इज इक्वल टू 32 मीटर, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपनी इस यूनिट का, और कल भी मैं तो आपकी नेक्स्ट यूनिट पर आप प्लीज मेरे को फीडबैक जरूर देना, आपको ये है आपको रिवीजन सीरीज है कैसे लगी, कैसे आपको आप थोड़ा सा कुछ कैसे आपको मोटिवेट मिला, कैसे हम बगैर फॉर्मूले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।